डिस्कस करेंगे संरचना सूत्र कैसे लिखें। उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि ये आपको जानना जरूरी है बेसिक, ये C1 मतलब कार्बन की संख्या जब एक रहेगा तो उस समय मिथ होगा, और ये एल्क में आपको बता दूं एल्क के जगह पे मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, एक बार आप लोग बोलेंगे मिथ इथ प्रोप ब्यूट। तो अब आपको याद रहेगा कि मिथ होने से कार्बन एक होता है, इथ होने से कार्बन दो होते हैं, प्रोप होने से कार्बन तीन होते हैं, ब्यूट होने से कार्बन चार होते हैं। ये एक बारी बोलेंगे तो आपको चारों एक लाइन से याद रहेंगे। रही बात पेंट को याद रखना, पेंट का 5 कार्बन, हेक्स का 6 कार्बन, हेक्स का 6 कार्बन, पेंट का 5 कार्बन, याद रह गया। और आगे भी आप याद कर सकते हैं, जैसे हेप्ट होता है तो हेप्ट के लिए कार्बन की संख्या 7 होती है। तो जैसे आपको क्वेश्चन कैसे यहां से बनानी है थोड़ी देर बाद आपको समझ आएगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि एल्क में जब एन जोड़ेंगे तो एल्केन बनेगा, एल्क में इन जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा एल्कीन बनेगा, एल्क में आयन जोड़ेंगे तो अल्काइन बनेगा, ये भी आप जानते होंगे। अब इसका एल्केन का सामान्य सूत्र आप भी जानते हैं CnH2n+2, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनेगा, एकल बंधन बनेगा किसके बीच, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंधन बनेगा तो एल्केन का सदस्य है। यानी अभी आपको और बढ़िया से समझाते हैं, उसके लिए आपको जानना जरूरी यह है कि एल्केन का यह सूत्र कैसे याद रखें। जैसे आप एल्केन लिखिए, उसके बाद एल्कीन लिखिए, उसके बाद एल्काइन लिखिए। अब ये याद कैसे रखेंगे, तो मान लीजिए कि ये तीन भाई है, एक बड़ा भाई, दूसरा मझला भाई, तीसरा छोटा भाई। अब तो अगर मैं एल्कीन को मझला भाई बोलूँ तो वो क्या होगा, कार्बन से कार्बन अगर एन कार्बन है तो हाइड्रोजन दोगुना कार्बन लेगा, यानी समझिए एल्कीन को सूत्र याद करनी है तो कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन खाएगा। ये एल्केन बड़ा भाई है, एल्कीन मझला भाई है, तो बड़ा भाई है तो कार्बन से हाइड्रोजन दोगुने से दो ज़्यादा रहेगा। यानी हमको कैसे समझना है कि एल्कीन अगर कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन रख रहा है तो बड़ा भाई दोगुना से दो ज़्यादा रखेगा, छोटा भाई दोगुना से दो कम हाइड्रोजन रखेगा। फिर से याद करिए CnH2n मतलब ये कि एल्कीन जो है कार्बन से हाइड्रोजन दोगुना रखेगा, बड़ा भाई दोगुना से दो ज़्यादा रखेगा, छोटा भाई दोगुना से दो कम रखेगा। अब आपको समझ आ जाएगा आसानी से, जैसे क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा थोड़ा देर के लिए कि ये कौन से सदस्य में, इसमें कौन चीज़ है, C2H4 में एल्कीन है कि एल्काइन है कि एल्केन है, हम बताते हैं। अब ये कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मझला भाई है, कार्बन से जस्ट दोगुना हाइड्रोजन रहेगा तो वो एल्कीन होता है, और उसमें कार्बन कार्बन के बीच दो बंधन रहते हैं। यानी ये आपको समझ आएगा कि इसमें कौन चीज है, तो एल्कीन है। फिर से बोलिए क्या है इसमें, एल्कीन है, क्योंकि कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन है इसमें। अब तो अगर पूछ दिया जाएगा कि C2H2 में क्या है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो ये इसमें एल्काइन है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन से दो कम है, यानी ये छोटा भाई है, यानी ये एल्काइन वाला सदस्य होगा इसमें। तो ये आपको इजीली समझ आ गया। अब आपको मैं ये समझाना चाहूंगा, हाँ, कि इसमें आपको ये, इसमें एक और, ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि ये C2H4 है, तो यानी मैं फिर से बोल दूं, यहाँ पे बड़ा भाई एल्केन होता है और मझला भाई एल्कीन होता है और तीसरा भाई छोटा भाई एल्काइन होता है। बड़ा भाई, मझला भाई, छोटा भाई, मझला भाई का आप याद रखिए कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन लेता है, ये कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन लेता है। अब तो यहाँ कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये मझला भाई है, यानी एल्कीन का सदस्य है, यानी ये एल्कीन का सदस्य होगा, यानी कह देंगे कि एल्कीन इसमें है। अब आपको क्वेश्चन रहेगा C2H6, यानी कार्बन से दोगुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये बड़ा भाई है, एल्केन है, इससे आसानी से समझ आ जाता है। अब आपको ये कैसे जानना होगा कि सर संरचना सूत्र कैसे लिखें, अब आपको ये पूछ दिया जाएगा उल्टा, जैसे अभी आपको पूछा जाएगा कि इथेन का सूत्र क्या होगा, जब आपको इथेन का सूत्र पता रहेगा तभी जाके इथेन का संरचना सूत्र बना पाइएगा। तो सबसे पहले इथेन का सूत्र लिखना सीखिए कैसे, तो पहले इसमें यह जानिए कि इथेन में इथ जोड़ एन लगा है, इथ जोड़ एन लगा है तो इसमें क्या फायदा हुआ, इथ होने से कार्बन कितने होते हैं, दो, इसका मतलब इसमें कार्बन दो हैं, एन लगता है बड़ा भाई में, एन लगता है बड़ा भाई में। अब हमको पता चल गया कार्बन की संख्या पता चल गया तो हाइड्रोजन की संख्या पता चल जाएगा कैसे, अगर एन है तो ये बड़ा भाई है, एन लगता है बड़ा भाई में, बड़ा भाई का नियम है कार्बन से दोगुना से दो ज्यादा हाइड्रोजन खाएगा, यानी कार्बन की संख्या दो है तो दोगुने से दो ज्यादा 6 होगा, इथेन का सूत्र C2H6 हो गया। अब इसकी हम संरचना सूत्र लिखेंगे, तो संरचना सूत्र लिखने के लिए आपको ये तीनों चीज जरूरी है, कार्बन की संख्या, कार्बन चार बंधन बनाएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन की संयोजकता चार होता है, हाइड्रोजन एक बंधन बनाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी संयोजकता एक होती है, ऑक्सीजन दो बंधन बनाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता दो होती है। आप ये रट जाइए, कार्बन चार बंधन बनाएगा, हाइड्रोजन एक बंधन बनाएगा, ऑक्सीजन दो बंधन बनाएगा। अब तो अगर यहाँ पे संरचना सूत्र लिखनी है C2H6 का, तो यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन
थोड़ा हटा के लिख देते हैं, 6 हाइड्रोजन को देना है तो 3 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए और 3 हाइड्रोजन उसको दे दीजिए। अब आप जाइए बंधन बनाने के लिए, पहले तो जो जितना पर्सन था यहाँ, जितना तत्व यहाँ था उतना ही तत्व दिखाएंगे, ना ज़्यादा ना कम। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कार्बन 4 बंधन बनाएगा, तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच एक बंधन बना दीजिए, बाद में सोचेंगे कि कितना बंधन बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बंधन बनाएंगे, कोई एक हाइड्रोजन कितना बंधन बनाएगा, एक बनाएगा, तो कोई एक हाइड्रोजन सभी एक एक अपना बंधन बना लिया। तो आपने देखा क्या, आपने देखा ये कि संयोग से देखिए, अगर मैं बाद में भी इसका बंधन को दिखाता, पहले हाइड्रोजन का बंधन दिखा लेता, तो सारा हाइड्रोजन संतुष्ट है क्योंकि हाइड्रोजन एक बंधन बनाता है, 6 का 6 हाइड्रोजन कार्बन के साथ एकल बंधन बना के संतुष्ट है। तो एक कार्बन कितना बनाएगा, 4 बंधन। यहां पे ये कार्बन 1, 2, 3 ही बंधन बनाया, 4 बंधन बनाने के लिए इस कार्बन से दोस्ती करेगा, वरना यहां पे अगर 4 पुराना चाहिएगा तो हाइड्रोजन 2 बंधन नहीं बना सकता था। इसीलिए आप 4 बंधन पुराने के लिए इधर कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, कार्बन के साथ बना लेगा। अब देखिए ये कार्बन का 4 बंधन हो चुका, 1, 2, 3, 4, इस कार्बन का भी 1, 2, 3, 4, हाइड्रोजन भी एकल बंधन बना के, यानी ये C2H6 ये इसका संरचना सूत्र हुआ। इससे आपको क्या पता चला, प्रश्न आएंगे इथेन में कुल सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी है, इथेन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन बनते हैं, ये दो प्रश्न बताते हैं। अगर अब तो आपको इथेन का कुल सहसंयोजक बंधन पूछेगा तो इसमें कितने हो जाएंगे गिन सकते हैं। सहसंयोजक बंधन होते क्या है, दो अधातु के बीच बने बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ये कार्बन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है, असल में सारा बंधन सहसंयोजक ही होगा क्योंकि सारा ही इसमें अधातु था। अब यहां से गिनिए, 1 बंधन 2 3 4 5 6 7, यानी इथेन में सहसंयोजक बंधन की संख्या 7 होगा। अब दूसरा सवाल मैंने बोला था, इथेन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन बनते हैं, एक बंधन बना हुआ है, आपको दिख रहा है कितने बंधन बना है, एक बंधन बना है। इसी प्रकार से आप यहां से लिख लीजिएगा। अब मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं, मान लीजिए कि आपको प्रश्न आएगा इथाइन का संरचना सूत्र क्या होगा, इथाइन का संरचना सूत्र क्या होगा, तो सबसे पहले संरचना सूत्र तभी आप बना पाओगे जब इसका सूत्र याद रहेगा। सूत्र कैसे बनेगा वो जानते हैं, इथाइन बनेगा कब, इथ जोड़ आयन से, इथ जोड़ आयन से, यानी इथ है तो कितना कार्बन, 2 कार्बन, अगर आयन है तो तीसरा भाई रहता है, और हम तीसरा भाई के बारे में जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन कितना लेता है, कार्बन के 2 गुने से 2 कम, हाइड्रोजन कितना लेता है, कार्बन के 2 गुने से 2 कम, 2 दूनी 4, 4 में 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2, यानी आपको फिर से यहाँ पे बता दूं, कार्बन के 2 गुना से कितना कम लेगा, 2 कम लेगा, तो ये कितना आ जाएगा, C2H2, ये इथाइन का सूत्र हुआ। अभी आपको मैं एक चीज और बताऊं, इथाइन का सूत्र अगर आपको पता चल गया तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसमें कितना हाइड्रोजन है, 2, तो एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन उसको देंगे। अब आप सुनिए, कार्बन कितना बंधन बनाएगा, 4 बंधन बनाएगा, हाइड्रोजन एक ही बंधन बनाएगा, तो पहले हाइड्रोजन को संतुष्ट कर दीजिए, हाइड्रोजन संतुष्ट हो गया, अभी भी एक कार्बन 3 बंधन और बनाएगा, 4 बंधन बनाना है, एक ही बंधन बनाया, 3 बंधन और बनाएगा, तो ये 3 बंधन उस वाले कार्बन से बनाएगा, बगल वाले कार्बन से बना लिया, संयोग से ये कार्बन का भी 4 बंधन हो गया, उस कार्बन का भी 4 बंधन हो गया, तो यानी संतुष्ट आपने कर दिया, इस तरह से संरचना सूत्र बन गया ये। इस प्रकार से ये इथाइन का संरचना सूत्र। अब प्रश्न आएगा क्या कि इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन होते हैं, कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 3 बंधन। हाँ, कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन बनते हैं, 3, हो सकता है सहसंयोजक बंधन भी पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन कार्बन के बीच कुल 3 बंधन बनते हैं। आपको ये पता चल गया, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इथाइन का संरचना सूत्र से पहले इथाइन का सूत्र आपने जान गया, उल्टा प्रश्न आएगा, C2H2 दिया रहेगा, इसमें एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, अल्काइन है, क्योंकि अल्काइन मतलब इथाइन, इथाइन आपको याद रहेगा, तो ये अल्काइन सदस्य का ग्रुप का ये मेंबर है, जो भी बोलिए ये सारा चीज है। अब आपको यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, आपको देख लीजिए, इथेन का तो कोई साधारण नाम नहीं होता, लेकिन इथीन का यहाँ पे ये इथेन लिखा है, गलत लिखा है, असल में यहाँ इथीन होगा, तो इथीन का जो है, इथीन का एक साधारण नाम और होता है इथिलीन, इथिलीन, यही चीज इथिलीन जो होता है ना, इथिलीन, तो ये ध्यान रखिएगा कि इथीन का दूसरा नाम इथिलीन होता है, इथाइन का एक साधारण नाम एसिटिलीन होता है। तो आपको प्रश्न कैसे आएगा, इथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है, इथीन होता है, एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या होता है, इथाइन होता है। ये IUPAC नाम का मतलब ये होता है कि पूरे वर्ल्ड में
आईपीएससी नेम को ही जानता है। साधारण नाम तो केवल लोकल एरियाज में, लोकल देश में नाम जाना जाता है। जैसे आप फॉर्मिक अम्ल जानते हैं केवल भारत देश में, ऐसा मान सकते हैं, लेकिन मिथेनोइक अम्ल इसका आईपीएससी नाम है, इसलिए मिथेनोइक अम्ल पूरे वर्ल्ड में जानता होगा ये मिथेनोइक अम्ल है। तो ये चीज़ें आईपीएससी नाम से यही मदद मिलता है कि आईपीएससी नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। ये इथाइल है, ये क्या है भाई, एल्काइल का समान सूत्र भी पूछ देगा। एल्काइल का समान सूत्र बता देते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि समान सूत्र ये यहाँ पे होगा CnH2n+1। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन के दोगुने से एक ही ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगा, यानी C2H5। देखिए कैसे हुआ, कार्बन के दोगुने से एक ही ज़्यादा हाइड्रोजन है। कार्बन का दोगुना तो हाइड्रोजन कितना होता, 4, लेकिन एक ज़्यादा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 5। यानी ये एल्काइल का सदस्य है, और एल्काइल का सदस्य है तो इसका मतलब ये इथ है इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, इसका नाम होगा इथाइल। इसका नाम होगा इथाइल क्योंकि पहले तो ये जान गए कि ये एल्केन का सदस्य है, कि एल्कीन का, कि एल्काइन का, कि अल्काइल का, ये अल्काइल का सदस्य है। कैसे, क्योंकि अल्काइल का काम है कार्बन, हाइड्रोजन कितना रखेगा, कार्बन के दोगुने से एक ही ज़्यादा रखेगा तो वो अल्काइल होगा। अब यहाँ पे समझ आया, कार्बन के दोगुने से एक ही ज़्यादा हाइड्रोजन है तो ये अल्काइल का सदस्य है, यहाँ 2 कार्बन है तो इथ, उसमें आइल लगा देंगे, इथाइल हो जाएगा। एल्केन में आइल जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, अल्क में, अगर अल्क में आइल जोड़ेंगे ओ आई तो इस जिसका हो जाएगा अल्काइल। तो अल्काइल में क्या होता है, प्रत्यय आइल होता है, इस तरीके से याद रखें। फिर से सीखिए, एल्क में एन प्रत्यय होगा तो एल्केन बनेगा, एल्क में इन जोड़ेंगे तो एल्कीन बनेगा, एल्क में आइन जोड़ेंगे तो अल्काइन बनेगा, एक चचेरा भाई अल्काइल आ गया, अल्क में आइल जोड़ेंगे तो अल्काइल हो जाएगा। तो ये चीज़ें समान सूत्र, यहाँ पे देखिए इसका 3 1/4 समान सूत्र आप ये याद रख सकते हैं। तो ये अल्काइल का चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब आपको मैं समझाना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि आपको एक प्रश्न रहेगा, जैसे मैं आप लोग से पूछूंगा वहाँ पे क्वेश्चन, C4H8 इसमें एल्केन है कि एल्कीन है, इसमें एल्कीन है क्योंकि कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन कौन रखता है, एल्कीन रखता है, मंझला भाई रखता है। C4 यहाँ पे रहेगा H10, ये एल्केन है कि एल्कीन है, एल्केन है क्योंकि कार्बन से दोगुना से दो ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये एल्केन का सदस्य है। और एल्केन के सदस्य में अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, C4H10 का आईपीएससी नाम क्या होगा बताइए। तो C4 का नाम क्या होता है, ब्यूट, नहीं पहले आप ब्यूट बोलिए, C4 का मतलब क्या होता है, ब्यूट होता है। अब आप कैसे जानिएगा कि एन जोड़ें कि इन जोड़ें कि आइन जोड़ें, तो आपको पता चल जाएगा ये एल्केन का सदस्य है। एल्केन के सदस्य में अल्क में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, तो ब्यूट में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। इंग्लिश में बोले तो ब्यूट लिख लेते हैं, उसमें एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। आपने कैसे जाना कि एन जोड़ा, क्योंकि हमने जान लिया कि एल्केन का सदस्य है। आपने ये कैसे जाना कि एल्केन का सदस्य है, क्योंकि कार्बन के दोगुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन है, इसीलिए हमने जान लिया कि एल्केन का सदस्य है। अब आप इसका नाम पूछेगा, इसका नाम डायरेक्टली आप बता सकते हैं, क्या नाम होगा, ब्यूटीन। कैसे ब्यूटीन होगा, क्योंकि 4 कार्बन के कारण इसका नाम होगा ब्यूट। अब उसमें एन जोड़े कि इन जोड़े, तो इन जोड़ेंगे क्योंकि अल्कीन में क्या जोड़ा जाता है, अल्क में इन जोड़ा जाता है, तो अब यहां पे इन जोड़ दीजिएगा तो क्या नाम हो जाएगा, इसमें ब्यूटीन नाम हो जाएगा। प्रश्न आएगा कि प्रोपीन का संरचना सूत्र बनावें, प्रश्न आएगा कि प्रोपीन का संरचना सूत्र बनावें, तो अब देखिए आपको ये पहले जानिए प्रोपीन का संरचना सूत्र। तो आप पहले बताइए कि प्रोपीन का सूत्र कैसे आएगा, प्रोप है तो कितने कार्बन, 3, प्रोप है तो कितने कार्बन, 3, प्रोप है तो कितने कार्बन, 3 कार्बन। अब यहाँ पे इन है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हाइड्रोजन दोगुना ही लेगा। इन है तो एल्कीन का सदस्य है, इन है तो किसका सदस्य है, एल्कीन का, एल्कीन में दोगुना ही हाइड्रोजन लेगा, तो कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना लेगा, 6 लेगा। अब समझ गए प्रोपीन का सूत्र क्या हो गया, C3H6। अब संरचना सूत्र बनाने के लिए आपको कार्बन की संयोजकता याद रखना पड़ेगा, यानी बंधन कितना बनाएगा, ये चीजें याद रखना पड़ेगा। इसमें कार्बन 3 है तो 3 जगह कार्बन लिख देते हैं, अगर आप ऐसा नहीं दिखाते तो कोई दिक्कत नहीं, 3 जगह हमने कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन 6 है, तो अगर आप और 6 अगर काम करते तो ये एक बारी बंधन बना लीजिए, बाद में देखा जाएगा कि क्या होगा। अगर 6 हाइड्रोजन में इसको आप 3 हाइड्रोजन दे देते हैं, 3 हाइड्रोजन एक एक बंधन बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा एक बंधन बनाएगा, हाइड्रोजन कितना बंधन बनाएगा, हमेशा एक बंधन बनाएगा। अब यहां पे सोचिए जरा, अगर यहां पे एक हाइड्रोजन देते हैं, यहां पे एक हाइड्रोजन देते हैं, यहां पे एक हाइड्रोजन देते हैं, तो आपने तीन
तीन छः हो गया, तब आप क्या सोचिएगा, ये जो यहाँ पे सोचिएगा कि ये कार्बन भी एक बंधन और बनाएगा, संयोग से एक कार्बन ये बंधन बनाएगा, तो पहले आप सोच रहे होंगे कि एक और बंधन बनाएगा तो एक हाइड्रोजन, नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं, आपके पास छः ही हाइड्रोजन है, मात्र छः ही हाइड्रोजन का यहाँ पे प्रयोग करिएगा, तीन हाइड्रोजन प्रयोग आपने कर लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, छः हाइड्रोजन प्रयोग कर लिया, तब आपको नजर आएगा ये कि ये कार्बन भी एक और बंधन बनाएगा, ये कार्बन एक और बंधन बनाएगा, तो इसके बीच एक और बंधन बना देंगे, तो ये कार्बन भी चार बना लिया, ये कार्बन भी चार बना लिया, ये कार्बन भी चार बना लिया, अब जाके ये संतुष्ट हो गया सारा, यानी मेरा संरचना सूत्र तैयार है। और इससे ये भी पता चला, अगर हम पहले ही जान गए कि एल्कीन का सदस्य है ये C3H6, एल्कीन का सदस्य है, तो कहीं ना कहीं दो कार्बन के बीच दो बंधन बनता होगा, कहीं ना कहीं दो कार्बन के बीच दो बंधन बनता होगा, ये पहले भी माइंड सेट कर लेते हैं तो ये से भी समझ आ जाता। अगर मैं एक प्रश्न और बोल दूं, जैसे कि क्वेश्चन रहेंगे आपको, कि जैसे आपको प्रश्न रहेगा ब्यूटेनल का संरचना सूत्र आप कैसे बनाइएगा, ब्यूटेनल का संरचना सूत्र आप कैसे बनाइएगा, इसके लिए आपको ये जरूरी है कि ब्यूटेनल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ब्यूटेनल का फॉर्मूला जानने के लिए आपको जानना जरूरी ये पड़ेगा कि ब्यूटेनल में, एक मिनट, अगर आप ब्यूटेनल का संरचना सूत्र लिखना चाहते हैं तो ब्यूटेनल का फॉर्मूला लाना है। अब ये फॉर्मूला कैसे आएगा आपको तुरंत से समझा देते हैं। ब्यूट में कितने कार्बन, चार कार्बन, ब्यूट में कितने कार्बन, चार कार्बन। अब आपको ब्यूट, यहाँ पे ब्यूटेनल लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूटेन में, आपको बढ़िया से सिखाते हैं, ब्यूटेन में इंग्लिश में लिखा हूँ, इसमें क्या होता है कि इस ई को हटा दिया जाता है, यानी ई माइनस कर दिया जाता है, प्लस किया जाता है अल, तो ये बन जाएगा क्या, ब्यूटेनल बन जाएगा, यानी केवल ई को हटाया जाता है, उसका प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, ई को हटा के उसका प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो आप कैसे जानिए कि एल्डिहाइड का ये प्रत्यय है, याद रखना पड़ेगा ब्यूटेनल में प्रत्यय होता है अल, कैसे, ब्यूटेनल में अंत में अल लगा है, अल जोड़ेंगे, यानी ब्यूटेनल ऐसे होता है। तो अब हमको समझ ये आया कि एल्डिहाइड इसमें है, कैसे, क्योंकि अल प्रत्यय एल्डिहाइड में ही लगता है, अल प्रत्यय जो है किस में लगता है, एल्डिहाइड में। इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड का जो समान सूत्र होता है CHO होता है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे बता देते हैं। कार्बन, ये बंधन फ्री है, ये माइनस नहीं है, बंधन फ्री है, एक कार्बन, ये बंधन फ्री है इसका, यहाँ पे O है तो O लिख दिया, H है तो H लिख दिया। अब ऑक्सीजन कितने बंधन बनाएंगे, दो, यहाँ से दो बंधन हमने बना दिया, हाइड्रोजन एक ही बंधन बनाएगा, एक बना दिया, ओवरऑल कार्बन का चार हो गया, कैसे, एक दो तीन, एक फ्री है, तो वही तो चीज हो गया। अब आपको सोचिए, ब्यूट में चार ही कार्बन रहेंगे, उसमें ये वाला चीजें दिखा दीजिए आप, क्यों दिखाएंगे, क्योंकि इससे पता चल गया कि ये आपका एल्डिहाइड है, आपको ये पता चल गया कि ये क्या है, आपका एल्डिहाइड है। अब आप सोचिए, एक दो तीन चार ही कार्बन है, अभी एक्स्ट्रा आप सी डबल बॉन्ड ओ एच नहीं दे सकते, क्योंकि वरना पांच कार्बन हो जाएगा, अभी आपके पास एक दो तीन चार यानी ब्यूट है। अब नल कैसे आया, तो इसके कारण नल आ गया, ब्यूटेनल। अब बाकी कार्बन पे हाइड्रोजन अपने मन से जोड़ दीजिए, कैसे जोड़ेंगे, हाइड्रोजन एक ही बंधन बनाएगा, यहां कार्बन को दो बंधन और बनानी है, तो ऊपर नीचे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये कार्बन संतुष्ट हो गया चार बंधन बना के, इस कार्बन पे भी ऊपर नीचे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये भी कार्बन संतुष्ट हो गया चार बंधन बना के, इस पे तीन हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, तब जाके उसका चार बंधन बनेगा, यही है ब्यूटेनल का संरचना सूत्र। आपको केवल यहां ये याद रखना है कि ब्यूटेनल में कैसे पता चला कि एल्डिहाइड है इसमें, क्योंकि उसका प्रत्यय अल लगा हुआ है, इसीलिए हम जान गए इसमें ब्यूटेनल में एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील समूह है। अब आपको क्वेश्चन रहेगा ब्यूटेनॉन, ये चीजें आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। अब आपको प्रश्न रहेगा ब्यूटेनॉन कैसे रहेगा, मान लीजिए कि आपको प्रोपेनॉन दे देगा, प्रोपेनॉन, तो अब एक बात बताइए, प्रोपेनॉन का संरचना सूत्र लिखने के लिए आपको इसका सूत्र याद करना पड़ेगा। तो पहले याद करते हैं, प्रोप है तो कितना कार्बन, तीन कार्बन ऐसे लिख दिए। अब ये ऑन है, तो ऑन जो प्रत्यय है वो कीटोन में लगता है, कीटोन में लगता है, ऑन प्रत्यय किस में लगता है, कीटोन में। आपको याद कैसे रखेंगे, तो कीटोन में देखिए अंत में ऑन का उच्चारण आता है, कीटोन में ऑन का उच्चारण आता है, प्रत्यय तो अंत में ही आता है ना, प्रत्यय जो है अंत में आने वाला उच्चारण होता है, तो अंत में कीटोन में ऑन आता है, इसलिए याद रख लेंगे कि अगर ये प्रोपेनॉन है तो इसका मतलब अंत में ऑन आ रहा है, तो ये कीटोन का मेंबर है। अब आपको ये समझना है कि कीटोन का सूत्र क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों तरफ कार्बन ही होते हैं, केवल आपको ये याद रखना है, सी डबल बॉन्ड ओ लेकिन दोनों तरफ कार्बन, याद रखिएगा। इससे ये पता चला कि कीटोन हमेशा
बीच में आएगा, कभी छोड़ पे नहीं जाएगा, क्योंकि कीटोन के दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है। इसका मतलब यहीं पे आप कीटोन का फॉर्मूला दे सकते हैं, दोनों तरफ कार्बन आ गया, यहां पे आप नहीं दे सकते थे क्योंकि इस छोर कार्बन था कहां आपका, इसीलिए कीटोन कभी भी छोर पे नहीं जाएगा, बीच में जाएगा। समझ आया? तो कीटोन का ये सूत्र हुआ। अब आपको ये समझ में आएगा कि प्रोपेनोन में कार्बन तीन है, कीटोन का सूत्र भी हमको दिख रहा है। अब बाकी क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है। कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे इस कार्बन पे, तीन, क्योंकि एक ही बंधन बनाया है, यहां पे तीन हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये कार्बन एक ही बंधन बनाया है तो तीन हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे, आराम से इसका काम हो जाएगा। हाइड्रोजन जोड़ना बहुत आसान है, केवल हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो किसी भी को भूखा रहता है तो उसको मदद कर देता है। ये कमी, ये हम रसायन शास्त्र में आपको एक लॉजिक बता रहे हैं। हाइड्रोजन जो है कहीं पे भी अगर नहीं भी कुछ है, हाइड्रोजन जोड़ के उसका काम पूरा कर दीजिए। आपने देख लिया प्रोपेनोन का सूत्र कैसे बनेगा। उसके बाद हम आपको बता देते हैं ब्यूटेन इथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र, तो आप ये बताइए, इसमें ओइक अम्ल जुड़ा हुआ है अंत में, यानी इसमें प्रत्यय जो है ओइक अम्ल है, तो यानी ओइक अम्ल आता है ना वो कार्बोजिलिक अम्ल में आता है, C डबल OH। अब इसका हम थोड़ा बढ़िया से कैसे लिखेंगे, कैसे, कार्बन चार बंधन बनाएगा, हाइड्रोजन एक बनाएगा, ऑक्सीजन दो बनाएगा, ये बंधन फ्री रहेगा, यहाँ पे ओ दे दिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओ दे दिए, यहाँ पे एच दे दिए, आप कुछ भी करोगे इसके अलावा इसका ये इस तरह से नहीं दिखेगा, जब भी आप बनाओगे तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो कैसे, ये आप मेरा सही है क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ, यहाँ पे एच दे दिया, क्योंकि ऑक्सीजन दो बंधन बनाएगा, हाइड्रोजन एक बनाएगा, ऑक्सीजन दो बनाएगा, इस तरीके से। तो आपने ये जान लिया कि या तो ऐसा लिखेंगे या तो ऐसा लिखेंगे। अब आपको इथेनोइक अम्ल है, इथेनोइक अम्ल है, इसका मतलब इथ है, इथ रहता है तो कितना कार्बन होता है, इथ रहता है तो कितना कार्बन होता है, दो कार्बन रहता है ना, दो कार्बन रहता है। अब आपको ओइक अम्ल है मतलब ऐसा चीजें दिखना चाहिए उसमें, तो ऐसा चीजें हम इसमें दिखा देते हैं। अब आपको केवल हाइड्रोजन जोड़ने की आवश्यकता है, देख लीजिए हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया, इसको संघनित रूप में कैसे लिखेंगे, सी पे कितना हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक ये बंधन दिखाएंगे, अब ऐसे करके संघनित करके लिख दिया, यही CH3COOH, बोलिए एक बार CH3, इसका नाम होता है इथेनोइक अम्ल और ये IUPAC नाम है। अब इसका कॉमन नेम, अर्थात कॉमन नेम का हिंदी साधारण नाम क्या होगा, इसका साधारण नाम होगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल, ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल। अब आपको मिथेनोइक अम्ल बता देते हैं कि उसका IUPAC नेम, सॉरी संरचना सूत्र कैसे बनेगा। आपने ये देख लिया एसिटिक अम्ल, हो सकता है मेरा एसिटिक हर्षिकार दीर्घिकार थोड़ा सा ध्यान से उतर गया, आप जरा देख लेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब आगे आपको समझाते हैं मिथेनोइक अम्ल। सर ये मिथेनोइक अम्ल, पहले तो आप ये बताइए कि मिथेनोइक अम्ल में प्रत्यय क्या है, ओइक अम्ल है, ओइक अम्ल अम्ल में आता है, ओइक अम्ल इसमें प्रत्यय है, तो ओइक अम्ल किस में आएगा बच्चों, अम्ल में आएगा। इसका सूत्र क्या होता है, C डबल OH, इसको तरीके से लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, इसको इस तरह से याद कर लीजिए, बहुत आसान काम देगा, C डबल बॉन्ड OH याद रखेंगे। अब देखिए मिथ है तो कितना कार्बन, मिथ है तो कितना कार्बन, एक कार्बन, और इसी कार्बन में ही हमको ये दिखाना है, तो दिखाते हैं डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसका मतलब इस कार्बन को चार बंधन बनाना है ना, तो ये एक फ्री रहता है, देख लीजिए फ्री है, इसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं, मिथेनोइक अम्ल का सूत्र हो गया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से दिखा देंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये तो अम्ल आपको दिख ही रहा था, एक्स्ट्रा केवल आपने क्या जोड़ा है, एच जोड़ा, कार्बन जोड़ते दो कार्बन हो जाता, उसमें इथ आ जाता, कार्बन रहता अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के बदले उसको क्या कर देते, अगर उसको कार्बन देते तो उसमें दो कार्बन आ जाता, और दो कार्बन का नाम होता है क्या, इथ, तो ये इथेनोइक अम्ल बन जाता। मिथेनोइक अम्ल है तो हर हालत में कितने कार्बन होनी चाहिए, और उसी में अम्ल का अभिक्रियाशील समूह दिखना चाहिए, है ना, प्रक्रियात्मक समूह दिखना चाहिए, तो ये आपका मिथेनोइक अम्ल हो गया। इसका साधारण नाम क्या होगा, इसका साधारण नाम बोलिए क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल होगा। चीटी में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल, यही हो गया। तो फॉर्मिक अम्ल का संरचना सूत्र याद रखिएगा, इसको संघनित रूप में क्या लिखेंगे, HCOOH, इस तरीके से। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, मान लीजिए कि अगर आपको, अभी मैंने आपको तीन फॉर्मूला बताया, COOH किसका सूत्र है, अम्ल का या कार्बोक्जिलिक अम्ल रहेगा, कार्बोक्जिलिक अम्ल रहेगा। उसके बाद ये किसका सूत्र है बच्चों, बोलिए, एल्डिहाइड का सूत्र है,
बताइए ये किसका सूत्र है? कीटोन का। ये कीटोन का सूत्र है। उसके बाद अब आपको एक चीज और मैंने बताया था, अल्कोहल OH, अल्कोहल अभी नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, OH किसका सूत्र है? अल्कोहल का सूत्र है। अब मैं अल्कोहल से याद आया, जब आप अल्कोहल बोलते हैं तो अंत में ऑल का उच्चारण आता है, अल्कोहल अल्कोहल। असल में इंग्लिश में अल्कोहल नहीं बोला जाता है, इंग्लिश में अल्कोहल बोला जाता है। तो अल्कोहल जब बोलते हैं तो अंत में ऑल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको ये भी सीख मिलेगा कि जैसे आपको इथेनॉल का संरचना सूत्र पूछेगा, इथेनॉल इसका मतलब आप लोग बताइए अंत में इसमें क्या लगा है, प्रत्यय क्या है इसमें? प्रत्यय ऑल है। ऑल प्रत्यय किसका होता है? OH का। OH का होता है, हमने भी सीखा। OH का प्रत्यय क्या होता है? ऑल। यानी किसी भी रासायनिक नाम के अंत में ऑल लगा है तो उसका उसमें किसका मतलब अल्कोहल है, उसमें OH है। इथ है तो कितने कार्बन, इथ है तो कितने कार्बन। अब ये ऑल लगा है तो OH आएगा, OH लगा दिए, किसमें लगा दिए? OH लगा दिए। अब इसका मतलब इस कार्बन को कितने और बंधन बनाने हैं? क्योंकि एक उधर बना लिया, एक इधर बना, दो ही बंधन बनाएगा। इस कार्बन को तीन बंधन और बनाना है, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, आपका काम हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि सर ऐसा फॉर्मूला दिखता नहीं है, संघनित रूप में करेंगे, ये संरचना सूत्र है। संघनित सूत्र कुछ और होता है, संघनित मतलब समेट के लिखना। सी पे क्या हाइड्रोजन है? CH3CH2OH होगा। इसको और संघनित करिए, C2H5OH। इसको और संघनित करेंगे तो कार्बन दो है, दो लिख दिए, तीन दो पांच हाइड्रोजन है, OH हमने लिख दिया। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो बताइए इथेनॉल का सूत्र क्या होगा? इथेनॉल का सूत्र, शराब में इथेनॉल का ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी पीने वाला शराब का सूत्र क्या होगा? C2H5OH होगा। सैनिटाइजर में मैं मान के चलता हूँ कि ये ही होना चाहिए, ठीक है। एक होता है थोड़ा सा बहुत ही कह सकते हैं जहरीला अल्कोहल कह सकते हैं, तो मिथेनॉल होता है ना, थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कि थोड़ा एक अल्कोहल जैसे मिथेनॉल, अगर आपका शराब में मिथेनॉल मिल जाए तो शराब जो है बहुत जहरीला हो जाता है। तो याद रखिएगा इथेनॉल थोड़ा पीने में ठीक रहता है, लेकिन ये याद रखिएगा इसको भी ज़्यादा सेवन करने से मौत भी हो सकते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आएंगे कि शराब पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो उसमें याद रखिएगा तो ये ज़्यादातर ये हो जाता है। अब आपको प्रश्न जो है, मान लीजिए कि अभी आपको प्रश्न, थोड़ा देर के लिए मैं आके एक प्रश्न पूछता हूँ, एसीटोन, एसीटोन का IPC नाम क्या होगा? प्रोपेनोन। वेरी गुड। कैसे? प्रोपेनोन का ही साधारण नाम होता है एसीटोन। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्रोपेनोन ये याद रखना पड़ेगा, जैसे कि प्रोपेनोन, जैसे आपको एसीटिलीन का IPC नेम क्या होगा? IPAC नेम क्या होगा बोलिए? इथाइन होगा, इथाइन होगा, C2H2 होगा। अब आपको मैंने सिखा दिया है कि इथाइन का ये सूत्र होता है, थोड़ा देर पहले बताया। प्रोपेनोन का सूत्र क्या होगा? डायरेक्टली लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कैसे सर लिख लिया आप डायरेक्टली? आपको पता है प्रोप में कितने कार्बन होंगे? तीन कार्बन, और हमेशा कीटोन बीच वाले कार्बन पे आता है, और आराम से हमको मन में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन कितने आवश्यकता है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप बना लोगे। जैसे आपको प्रश्न आएगा कि एसीटिक अम्ल का IPAC नेम क्या होगा? IPAC नेम क्या होगा? इथेनोइक अम्ल होगा। क्या होगा? इथेनोइक अम्ल होगा, इथेनोइक अम्ल होगा। तो ये याद रखिएगा एसीटिक अम्ल का IPAC नाम क्या होगा? इथेनोइक अम्ल। एसीटिक अम्ल का IPAC नेम क्या होगा? एसीटिलीन का IPAC नेम, और एसीटोन का IPAC नेम प्रोपेनोन होगा। याद हो गया इस तरीके से, फिर से एसीटोन का प्रोपेनोन होगा। ये याद रखने वाली बात है, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ, ये याद नहीं रखना है क्योंकि आपको मैंने अभी बता दिया। हाँ, एसीटिलीन का इथाइन होगा और एसीटिक अम्ल का इथेनोइक अम्ल। एसीटल्डिहाइड का कोई बताइए IPAC नाम क्या होगा? एसीटल्डिहाइड आपको याद करा देते हैं, एसीटिक अम्ल का इथेनोइक अम्ल, तो एसीटल्डिहाइड का इथेनल होगा। फिर से एसीटिक अम्ल का मैं आपको बता ही देता हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ इथेनल का संरचना सूत्र क्या होगा? इथेनल, आपको अल लगा हुआ एल्डिहाइड आएगा, अल प्रत्यय एल्डिहाइड में आएगा, हो गया। इथ में दो कार्बन होगा और उसमें एल्डिहाइड लगा देते हैं, हो गया। इस पे तीन हाइड्रोजन लगा देंगे,
तो कितना फास्ट बना लिया हमने, आपको भी बना सक, आप भी बना सकते हो इथेनॉल। इसको संघनित करेंगे CH3CHO, ये इथेनॉल का सूत्र है। इथेनॉल को ही एसीटल्डिहाइड कहेंगे, एसीटल्डिहाइड कहेंगे। फिर से याद करिए, एसिटिक अम्ल को इथेनॉल, एसीटल्डिहाइड को इथेनॉल बोलेंगे। जहां ओइक है तो अम्ल का है वो, इथेनोइक अम्ल, इसका तो उसमें अम्ल का सूत्र लगेगा। इथेनॉल उसमें एल्डिहाइड का सूत्र लगेगा। जैसे इथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होगा, CH3COOH होगा, तो CH3COOH इसका मतलब ये एसिड है तो ये इथेनोइक अम्ल होगा, यहां पे एल्डिहाइड है इथेनॉल होगा। फिर से सीखिए, COOH में ओइक आना चाहिए, ओइक अम्ल आना चाहिए, तो इथेनोइक अम्ल, इसमें एल्डिहाइड है तो इथेनॉल होगा। इस प्रकार से आप जब सूत्र बना लीजिएगा, तो संरचना सूत्र बनाना तभी संभव है जब आपको ये याद रहेगा। ये भी बहुत ही काम का चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए। आप गलती कहाँ करोगे मैं बताता हूँ, गलती आप यहाँ करोगे, जैसे आपको क्वेश्चन रहेंगे कि आपको हेक्सेन का संरचना सूत्र लिखना है, हेक्सेन का संरचना सूत्र, पहले तो आप ये बताइए कि ये हेक्सेन बना किस चीज़ से है, हेक्स प्लस एन से बना है, हेक्स प्लस एन से बना है। इजीली समझ आएगा कि हेक्स में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन हैं। अब आपको पता चल गया एन लगता है बड़ा भाई यानी एल्केन में, एल्केन का नियम है कि कार्बन से दोगुना से दो ज़्यादा हाइड्रोजन लेगा, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन दोगुने से दो ज़्यादा, कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, C6H14। इस तरह से याद कर लिए। अब आपका इसका सूत्र कैसे बनेगा, संरचना सूत्र, 6 कार्बन का आप दिखाइए, 6 कार्बन आपने दिखा दिया, 3 3 6 कार्बन। अब आप बताइए हाइड्रोजन 14 है, इसका मतलब 14 हाइड्रोजन 6 कार्बन पे जाना चाहिए, है ना। तो हाइड्रोजन कितना यहाँ पे लेगा, 3। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लेगा, कितना लेगा, 2। ये भी 2 लेगा, ये भी 2, और ये लेकिन 3। आप जोड़ लीजिए कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से अंत में आप लोगों को मैं अभी सवाल पूछता हूँ, जान देखते हैं कि आप लोग कितना याद किए हैं। जैसे बताइए एसीटल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होगा, इथेनॉल होगा, बिल्कुल सही जवाब। एसीटल्डिहाइड का IUPAC नेम होगा इथेनॉल, इथेनो एसीटिक अम्ल, एसीटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, इथेनोइक अम्ल। उसके बाद मैं पूछूं आपसे एसीटोन का IUPAC नेम क्या होगा, प्रोपेनॉन होगा। पूछेगा एसीटोन में अभी क्रियाशील समूह कौन है, कीटोन की एल्डिहाइड कीटोन है। पूछेगा कि इथेनोइक अम्ल में अभिक्रियाशील समूह कौन सा है, यानी अभिक्रियाशील समूह होगा एसिड यानी अम्ल, या ऑप्शन रहेगा कार्बोक्जिलिक अम्ल। कार्बोक्जिलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH, कार्बोक्जिलिक अम्ल का सूत्र बोलिए COOH। अब आपको एक छोटा सा चीज बच गया है, इथर, इथर का नियम आपको थोड़ा सा आसान है। पहले तो इथर का सूत्र याद करिए, ROR। अब आप सोच रहे होंगे कि R जो है होता क्या, एल्काइल को R कहा गया है, एल्काइल को ही R कहा गया है, एल्काइल के जगह पे कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, एल्काइल हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा, तो जैसे आपको प्रश्न आएगा CH3O CH2 CH3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3O C2H5। तो यहाँ पे CH3O CH2 CH3, अब इसका जो है IUPAC नेम लिखना है, तो यहाँ पे क्या होगा बता देते हैं। इसका सूत्र याद करिएगा ऑक्सी एल्केन, इथर का लिखने का नियम याद रखिएगा ऑक्सी एल्केन, ऑक्सी एल्केन। बोलिए इथर का नाम कैसे लिखा जाएगा, ऑक्सी, बोलिए ऑक्सी, ऑक्सी हो गया काम। कम कार्बन का ऑक्सी बनाएंगे, ज्यादा कार्बन का एल्केन बनाएंगे, कम कार्बन का ऑक्सी बनाएंगे, ज्यादा कार्बन का एल्केन बनाएंगे। तो कम कार्बन 1 कार्बन है, ज्यादा कार्बन 2 कार्बन है, इसका हम तो कम कार्बन को मिथ बोलेंगे, तो हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम होगा इथाइल मिथाइल इथर, इथाइल मिथाइल इथर, दो कार्बन का एल्काइल इथाइल होगा, 1 कार्बन का एल्काइल मिथाइल होगा, है ना, इस तरीके से। अब एक प्रश्न और बता पूछते हैं आपसे, इसका नाम बोलिए क्या होगा,
इसमें दो जगह मिथाइल है, डाई मिथाइल इथर, दो जगह मिथाइल है तो डाई मिथाइल, अब बीच में ओ रहे तो इथर, इसको याद कर भी सकते हैं, डाई मिथाइल इथर, इसका होगा इथाइल मिथाइल इथर। इस तरीके से याद रखना है, बिहार बोर्ड के मॉडल सेट में प्रश्न है तो आपको प्रश्न पूछने के ज्यादा चांसेस हैं, यहाँ से आपको याद रखना है क्या रहेगा, इथाइल मिथाइल इथर होगा इसका नाम। अब आपको एक और सवाल बता देते हैं, जैसे कि प्रश्न रहेगा बड़े ब्रोमो प्रोपेन का संरचना सूत्र कैसे होगा, ब्रोमो प्रोपेन का, अब यहाँ पे देखिए ब्रोमो प्रोपेन का, हाँ बिल्कुल, ब्रोमो प्रोपेन का संरचना सूत्र क्या होगा बता देते हैं। तो ब्रोमो प्रोपेन, चलिए तो अब ये ब्रोमो प्रोपेन का संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, इसका याद रखना पड़ेगा हेलो एल्केन, इसमें याद रखना पड़ेगा ये हेलो एल्केन का सदस्य है। ये हेलो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन में आपको आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबको हेलो फैमिली कहते हैं, हेलोजन फैमिली, और हेलोजन फैमिली का शुरू में होगा हेलो। अब यहाँ पे ब्रोमो है इसका मतलब उसमें बी आर आएगा, प्रोपेन है तो याद रखेंगे कि हेलो एल्केन के रूप में पहले हेलो के जगह ब्रोमो है, यानी बी आर आने वाला है। प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, तीन कार्बन होंगे, असल में यहाँ पे एल्केन है तो सब जगह सिंगल बॉन्ड बनेगा, एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा, एल्केन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच कहीं पे दो बंधन बनेगा, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच तीन बंधन बनेगा। अब तुम्हें कंफर्म हो गया कि ये एल्केन ग्रुप का है सदस्य, तो कह लेंगे कि प्रोपेन में हमेशा कहीं ना कहीं सिंगल ही बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे प्रोपेन का आपने लिखना है तो एक ब्रोमो कहीं पे जोड़ दीजिए, एक ब्रोमो यानी बी आर जोड़ना पड़ेगा, अगर ये फ्लोरो रहता तो फ्लोरीन जोड़ते, क्लोरो रहता तो सीएल क्लोरो जोड़ देते, तो प्रोपेन के कारण तीन कार्बन मैंने लिया क्योंकि प्रोप में होता है तीन कार्बन। अब यहाँ पे सभी जगह सिंगल बॉन्ड बनेंगे तो आपको सिंगल बॉन्ड बना देनी है। अब जहाँ हाइड्रोजन जरूरी पड़ा आपने वहाँ हाइड्रोजन देके उसको सेटल कर दिया, क्योंकि कार्बन कितने बंधन बनाएंगे, चार, और यहाँ पे सारे लोग, और एक चीज़ और याद रखिए, सारे लोग एक ही बंधन बनाते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्यों, क्योंकि सभी का संयोजकता होता है एक होता है, जो जितनी संयोजकता उतना ही बंधन बनाएगा। तो अब तो आपको आसानी से समझ आ गया, बिहार बोर्ड में इतना सवाल आपको, मुझे लगता है कि काफ़ी है कि ये सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है, चलिए आज के लिए काफी।